और ये रेडी हो चुके हैं के लिए बर्फ में जाने के। ये गम्फू आ गया है ये इतना ही इतना मैम पिंक पिंक ज्यादा बड़ा ये देखो। अच्छा कोई नहीं सू नीचे के अंदर करना है मेन टमी से आना चाहिए जाएगा गम बूट भी तो डालना। अरे अरे ये तो वैसे ही मेरी गम्फू है इसमें तो और गम्फू लगेगा और भी अच्छा लग रहा है कलर कलर बताना। तो ये हो चुके हैं हम यहाँ के जंप सूट में रेडी एंड इसमें जा रहे हैं। इतनी मोटी लग रही हूँ ना मैं जैसे पता नहीं क्या ही बन गई देखो। यह सोनम पिंक पर्पल इधर बन रहा है ब्लू इधर हो रहा है समथिंग शायद ब्लैक येलो पहन लो पर्पल यह दूसरा कौन सा पहनना लेट्स सी क्या होता है अब। ये है यहाँ का लास्ट गांव जिसका नाम है सेथन और ये यहाँ का नज़ारा है जो बहुत ही अमेजिंग है। एंड अभी रास्ते में हमें ये बर्फ़ देखने को मिल रही है काफ़ी अच्छा ठंडा हो रहा है यहाँ पे बहुत मज़ा भी आ रहा है एक एक से नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। एंड सबसे अमेजिंग मुझे ना ये पहाड़ लग रहा है तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हम्टा पास। हम्टा पास ये है तो अब मैं रेडी हो रही हूँ अपने स्नो में जाने के लिए। तो ये निकल चुके हैं हम योरी मेरी ट्रैकिंग एंड ये रहे सोनम रानी और अविनाश जी ये हम और ये ग्लव्स पहन रहे हैं और मेरा ना एक ग्लव्स है ही नहीं दूसरे हाथ में ग्लव्स पहन रहा भयंकर ये हाथ मेरा जम रहा है। हाँ हाँ सारा यही दिखा ले ऊपर तो कुछ बचेगा ही नहीं पहले तो पहले पहन लो ना। ये फुल मजा आ रहा है फिलहाल एंड मेरी ये हो रही है ट्रैकिंग मस्त ट्रैकिंग हो रही है और ये रहे मेरे साथी और काफी मजा आ रहा है गिर भी रहे फिर संभल रहे फिर चल रहे कहाँ से पहनूं है ही नहीं और मेरा ना एक हाथ में ग्लव्स है एंड दूसरे हाथ का ग्लव्स गायब हो गया पता नहीं कहाँ गुम हो गया। ओ भयंकर भाई मैं गिर रही हूँ तगड़ा दीदी जट जट्टी पहले कुछ खा लिया थोड़ी सी चाय पीते हैं देन कुछ सोचेंगे आगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छे छोटे छोटे कैंप भी लगे हैं स्टे करने के लिए बट आई डोंट नो कि कौन ही यहाँ रुकेगा क्योंकि रात को तो यहाँ पे बहुत ही गंदी गुल्फी जमती है बहुत ही गंदी बट फिलहाल काफ़ी मज़ा आ रहा है अच्छा लग रहा है हैप्पी। क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ। इधर आया हुआ है हमारी अभी मैगी ऑमलेट और ऑमलेट तो थोड़ा सा फोटो शूट करने के बाद हमारा हो गया खाने का टाइम। इधर गौरव जी बहुत भूख लगी थी तो जल्दी से खाते उसके बाद मिलते हैं। कोई बात नहीं ओए मेरे ग्लव गिर गए लेकिन तो हमारे जो पार्टनर है ना वो तो लगे मैगी और ऑमलेट खाने में बिजी बट हम जो है हमें बनानी है बहुत सारी रील्स एंड फोटो क्लिक करवानी तो हम लोग अपनी मैगी छोड़ कर इधर आ गए। हमने बोला तुम लोग खा लो हम तो मैगी भी भूल गए फोटो शूट के चक्कर में क्योंकि यार ये सब चीजें तो घर पे भी मिल जाती है जिसके हम के लिए यहाँ पे आए ना वो करे एंड ये गिरना है हमें यहाँ पे।
तो यहाँ पर हो रहा है लाइव स्नोफॉल एंड ये रहा यहाँ का नजारा, बहुत ही अमेजिंग हो रहा है, बहुत ही मजेदार हो रहा है। एक सेकंड रुक जा, ये हो रहा है यहाँ इसके साथ अत्याचार। बहुत स्नो में जाने वाली बनी थी ना, ये ले जाएगी, आएगी अब से आएगी, बता आएगी उससे। अब आई इसकी बारी, इसको रगड़ के ले जाएगी सोनम, क्योंकि इसने सोनम के साथ ऐसे करा तो सोनम बदला ले रही है। सोनम जल्दी से घिसड़ के ले जाए इसे। मैं अपनी इंसल्ट नहीं कराऊंगी। जय वैष्णो देवी की। किस 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 तुम जान बूझ के कर रहे हो? सोनम की चीनी नहीं पा रही। ये ज्यादा अच्छे थे, ऐसी ले जा ऐसी रगड़ रगड़ सोरे से रगड़, हाँ ऐसी रगड़ साले ला सोरे रगड़ और रगड़ सोरे ले जा हाथ पकड़ के। ओए मोबाइल गिर गया निकल गया ग्लव्स। वंस मोर सोनम जीत के आइयो, बेइज्जती मत करियो, लड़की विन होनी चाहिए। ये अब बोल लाएगा ना दोबारा मनाली लाएगा? Yes. लाएगा yes. मनाली आने की डिमांड में मेरे पति मनाली मनाली यहाँ पे लिया जा रहा है बदला। हाँ ये लेडीज पार्टी जीत गई। बॉयज आर लूजर और गर्ल्स आर विनर गर्ल्स आर विनर। और ये दोनों लूजर है। साथ में तो मोटी उठा ले। हम साथ हैं जन्म के साथी, हम साथ साथ हैं। हाथ सुनोगे नहीं होगा। देखो फ्रेंड्स, मेरे बहुत अच्छे पति है, सारा सामान लेकर जा रहे हैं सब कुछ, और यहाँ पर इतनी अच्छी स्नो पड़ी आज, बहुत ही अच्छी। और ये दोनों लैला मजनू को देखो अपना नाम लिख रहे हैं, अभी यहाँ पे प्लेन कर रहे हैं, उसके बाद अपना नाम लिखेंगे। हो गया प्लेन, जल्दी लिखो। अरे यार ये तो दिल ही नहीं बन रहा। तुम्हारा दिल फीका है। रुको एक मिनट, ये यहाँ झोपड़ी सी है, इसके अंदर सारा मेटल मिलता है, चिकन चावल अंडा करी अंडा पिया। अब हो गया हमारा मामला डन। ठंड अब हमें लग रही है बहुत गंदी लेवल की ठंड, इसलिए हमने हम जा रहे घर पहन लिया। यस और हम लोग जा रहे घर, दे मेरे पति देव प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे। हम लोग काफी स्लिप हो रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग ऐसे घिसड़ के जा रहे ताकि पहुंच जाए इजीली। ओ भाई बहुत मजा आ रहा है लेकिन ऐसे घिसटते हुए जाने में। अरे बस कर भाई मैन, गौरव ने मेरा रास्ता ना है, उसी रास्ते पे सेम जा रही हूँ। सो फाइनली बाय बाय हमटा पास। भी तो ये है
फाइनली यहाँ का मेन लुक और ये हो रहा है सनसेट। इधर है और ये स्नो, एंड ये जो पॉइंट्स है ना ये है रहने के लिए यहाँ पे कैंप, मतलब कैंप क्या स्टे, होम स्टे टाइप है, बट इन्होंने इस टाइप से डेकोरेट करा हुआ है जो काफ़ी ही अमेजिंग है, बहुत कूल। और ये पूरा मनाली है जो आप नीचे देख रहे हो ना, बहुत ही गजब। तो फाइनली अभी हम लोग अपने रूम में पहुँच चुके हैं एंड काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि ना मतलब बर्फ भी था, मस्ती भी मारी, तो थकान तो हो जाती इतनी देर तक। बट बहुत गंदा रश जिसे कहते हैं इस टाइम पर यहाँ पर हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक।